भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है और इस वर्ष इसके उत्पादन में बढ़त देखने को मिली है। कुछ मंडियों में गेहूं के भाव गिरावट पर कारोबार कर रहा है तो कुछ मंडियों में इसके भाव में लगातार तेजी बनी हुई है। आगे क्या असर पड़ेगा इसके भाव पर, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच परिस्थिति सामान्य नहीं हुई, जिस वजह से कई नए देश भारतीय गेहूं के ग्राहक बनकर उभरे हैं। इसी तरह भारतीय किसानों की मेहनत अब इजिप्ट में भी महकेगी। जी हां, इजिप्ट में भारत से गेहूं का आयात करने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन और रूस से गेहूं का सर्वाधिक आयात करने वाले देश इजिप्ट ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है, जिसके तहत इजिप्ट को भारत से कुल 10 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जाएगा, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन को गेहूं निर्यात में सबसे ऊपर नाम लिया जाता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में दुनिया भर के गेहूं की उपलब्धता प्रभावित है, जिसमें भारतीय गेहूं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। इससे पहले अभी तक इजिप्ट गेहूं की घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह से रूस और यूक्रेन पर निर्भर था। भारत से गेहूं का जितना ज्यादा निर्यात होगा उतना ही ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। किसी किसी मंडी में अभी भी भाव कम ही मिल रही है, यहाँ तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम देखने को मिले, पर किसानों ने उस भाव पर बेचना उचित नहीं समझा। डिमांड की बात करें तो गेहूं की डिमांड में कोई कमी नहीं है। घरेलू बाजार को लेकर इंटरनेशनल मार्केटिंग तक गेहूं के भाव में लगातार डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए अच्छी फसल होने के बावजूद गेहूं के भाव में नरमी आना बहुत मुश्किल है। भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक आंकड़े के अनुसार भारत सालाना करीब 10.759 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन करता है और ज़्यादातर खपत घरेलू स्तर पर ही हो जाती है। वहीं एक अन्य आंकड़े के अनुसार दुनिया के अंदर 2020 में गेहूं के कुल उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी करीब 14.14% थी। इसी तरह भारतीय गेहूं के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच भारत का गेहूं निर्यात में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। भारत गेहूं का निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों को करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा 54% निर्यात बांग्लादेश को किया जाता है। वहीं यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे देशों भारत गेहूं के नए ग्राहक बनकर उभरे हैं। आने वाले समय में गेहूं की आवक बढ़ने वाली है, जिससे इसके कीमतों पर प्रभाव बनेगा, पर यह एक डिमांडिंग फसल है, जिसके चलते भाव में बहुत ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है। भाव की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की गेहूं 2100 से लेकर 2300 तक नीलाम किया जा रहा है। वहीं मीडियम क्वालिटी की बात करें तो 1800 से 2100 तक बिकता हुआ नजर आया है। बाकी कृषि से जुड़े हर रिपोर्ट को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।